की शुरुआत ऑस्कर नाम के एक बौने लड़के से होती है, जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर अपने पड़ोसी तक को नहीं छोड़ता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। ये कहानी ऑस्कर के कारनामों से भरी हुई है, तो चलिए देखते हैं ऑस्कर और क्या क्या कारनामे करता है। इस मूवी का नाम है टिन ड्रम। इसे 1979 में रिलीज किया गया था। इस कहानी के शुरुआत में हम लोग एना नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी वहां पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागता हुआ आता है और पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी एना उसे अपनी गुफा के अंदर छुपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और वो गुफा के अंदर ही एना का गेम बजाने लगता है। जब पुलिस यहाँ से चली जाती है, तब जोसेफ बाहर आता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करती, वो पानी में कूदकर भाग जाता है। जोसेफ के बारे में बहुत से बातें फेमस हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है वो पानी में डूबकर मर गया, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं वो वहां से भागकर अमेरिका आ गया और वो यहाँ आकर एक अमीर बिजनेसमैन बन गया और यहाँ आकर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं, जो कि बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एग्नेस अपने कजन जैन से प्यार करती थी, जो कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा एना अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी, जो कि एक जर्मन शेफ था। उन तीनों के घपाघप कार्यक्रम से ऑस्कर नाम का एक बच्चा पैदा होता है। ऑस्कर पैदा होने के बाद रोता ही रहता है और वो चुप ही नहीं होता है। जब उसकी मॉम उससे ये कहती है उसके 3 साल होने के बाद वो उसे एक टिन ड्रम देगी, इसके बाद वो रोना बंद करता है। अपने 3 साल होने के बाद जब ऑस्कर ने अपने जन्मदिन में लोगों को शराब पीते हुए और कुत्ता डांस करते हुए देखा, तब वो डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा ही नहीं होगा और अपने इसी काम को पूरा करने के लिए वो सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद से ही अब ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। वो हमेशा अपने ड्रम को अपने साथ रखता है और जब भी कोई उससे उसकी टूटी हुई ड्रम लेने की कोशिश करता है, वो इतना जोर से चिल्लाता है कि वो अपनी आवाज़ से कांच को भी तोड़ देता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है। अब ऑस्कर 6 साल का हो चुका है। ऑस्कर ना ही बड़ा हो रहा था और ना ही वो अपने टूटे हुए ड्रम को अपने से अलग करता था, और जब भी कोई उससे उसकी ड्रम को छीनने की कोशिश करता, तब वो अपनी आवाज़ से कांच तोड़ देता था। ऑस्कर के इस पावर को देखकर सारे डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उसकी मॉम और उसके परिवार को ये जानना था कि ऑस्कर क्यों बड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं एग्नेस हर थर्सडे को ऑस्कर के साथ शहर जाती थी और वो ऑस्कर को एक दुकान पर छोड़ देती थी। इसके बाद वो जैन के पास जाती थी और वहाँ जाकर वो जैन के साथ भयंकर घपाघप करती थी। लेकिन एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ के कांड के बारे में पता चल जाता है। ऐसा करते हुए कई साल बीत जाते हैं और अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है, जहां वो कुछ बौने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखता है। उन बौनों को देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को ऐसा लगने लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बौना है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बेबरा नाम के एक बौने से मिलता है, जो कि ऑस्कर के इस टैलेंट को देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन तभी ऑस्कर के मॉम डैड वहां आ जाते हैं और वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं ऑस्कर की माँ ऑस्कर को जिस दुकानदार के पास छोड़कर जाया करती थी, वो दुकानदार भी धीरे धीरे एग्नेस से प्यार करने लगा था। वो उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ वक्त बाद एग्नेस को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है और अपने टेंशन की वजह से वो बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है, जो कि उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं उसके पति अल्फ्रेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है, और वो एग्नेस को सिर्फ खुश देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं हुई, इसलिए वो अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती है और बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाने के वजह से उसे फूड प्वाइजनिंग हो जाती है।
और उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद हम लोग ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपने टूटी हुई ड्रम को ठीक कराना चाहता है। ये सब उस वक्त में हो रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड में हमला करके उस पर पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी पोलिश लोग जर्मनियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक जर्मन्स का उन पर हमला हो जाता है। इस हमले में बहुत से लोग मारे जाते हैं जिनमें से एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले से किसी तरह बच जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया है उसे अपने दुकान में काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी ही थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वो ऑस्कर को अभी भी बच्चा मानती थी। जब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है तब वो मारिया की बेटी के पास जाता है और वो एक चूहे की तरह उसके कंबल में घुस जाता है और घपाघप करने लगता है। मारिया को भी ऐसा करने में अच्छा लगता है, इसलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती है। धीरे धीरे ऑस्कर उसके और भी करीब आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे ये बात पता चलती है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। मारिया इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑस्कर को बौना कहकर उसके पिछवाड़े पर लात मारती है। कुछ महीनों बाद हम लोग ये देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती है। कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे वो बच्चा उसी का है। वहीं दूसरी ओर हम लोग ऑस्कर के दोस्त बैबरा को देखते हैं जो कि वर्ल्ड वार टू के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर एक दिन वो ऑस्कर को भी अपने टीम में आने के लिए बोलता है। ये लोग पेरिस में एक परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है। उनके साथ काम करते ही उसे अपने टीम की एक लड़की जिसका नाम रोज बीता है उससे प्यार हो जाता है। अब कई दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था और वो जब चाहे जैसा कर सकता था, लेकिन एक दिन अचानक अमेरिकन का वहाँ हमला हो जाता है। ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजबीता इस हमले में मारी जाती है। उस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आकर वो मारिया के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा कि उसे अपने 3 साल के उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश था। अल्फ्रेड अपने बेटे को उन लोगों से छुपा कर रखता है जो कि ऑस्कर को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा कभी नहीं लगता था कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसके बाद डर के मारे अल्फ्रेड अपने पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। इसके साथ अल्फ्रेड को अपने नाजी होने की बात भी छुपानी पड़ती थी, लेकिन अचानक एक दिन रशियन सिपाही उनके घर पर घुस जाते हैं और वो अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं अल्फ्रेड को नाजी सिपाही होने की बात छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चिन्ह देता है जिस पर नाजी होने की बात लिखी हुई थी। तभी अल्फ्रेड उस चिन्ह को निगल लेता है, लेकिन वो चीज जाकर अल्फ्रेड के गले में फंस जाती है और उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। अगली सुबह मारियस नाम का एक आदमी अल्फ्रेड के दुकान पर आता है और अब वो उस दुकान का नया मालिक था। दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मारियल अल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और वो जानता था किसी अपने को खोना कैसा लगता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद ऑस्कर फिर से ये डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा। इसके बाद ऑस्कर अपने ड्रम को भी अल्फ्रेड के साथ दफना देता है, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आता है
और वो सीधा जाकर ऑस्कर के सर पर लगता है, जिसके वजह से ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहीं पर एक आदमी इन लोगों को बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं, एना को छोड़कर बाकी सारे लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जहां ऑस्कर को पता चलता है कि उसके चिल्लाने की शक्ति अब जा चुकी है। और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।